आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीच चैनल। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, किस तरह से अभी सब कुछ होगा। अभी देखो पता है क्या है, दो बातें हो सकती है। या तो मैं बोलूंगा आपका एक बच्चे ने एडमिशन, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर 95% है, एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इसमें कई सारी बातें हैं, आप क्या कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, क्या आपका जो है किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में लेना चाहते हैं, बड़ी सारी बातें इसमें फैक्टर होते हैं। 95 में डेफिनेटली से हो भी जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई बहुत ही अच्छा कोर्स अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली से उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अभी किसी कोई बच्चा बोले 95 है और मैं बोलूँ हाँ बेटा आपका हो जाएगा, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, बच्चों को लगता है वाह बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं सर, सब्सक्राइब कर देते हैं। और अगर बोले कि नहीं बेटा थोड़ा मुश्किल होगा तो बच्चा को लगता है इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये तो अच्छी बात बोलो तो सामने वाले को अच्छा लगता है, बुरी बात बोलो या सच्चाई सच बात बोलो तो बच्चों को या किसी भी इंसान को जो है वो बुरा लगता है, झूठ लगता है, या मतलब बुरा उसको बुरा तो लगता ही है एटलीस्ट, ठीक है। मतलब ये तो सच्चाई ही है ना, मतलब इसको तो आप झूठ नहीं, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा अब बच्चों देखो सच्चाई जो है वो यही है कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने को मिला। जिन बच्चों का 95 पे भी नहीं हुआ ना वो बच्चे रोते हैं, क्योंकि एक बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में बच्चे ने सपना रखा कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है और उसका नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, किसी कॉलेज का उसने टारगेट रखा उसका नहीं हो पाया एंड हैंस उसने डिस्काउंट मतलब उसने वो पूरा ईयर ड्रॉप किया। इस साल वो फिर ट्राई करेगा वो बच्चा, और क्योंकि सबको पता है कि सिनेरियो किस तरह से चल रहा है, और वो सब सिनेरियो में जो है वो बच्चा जो है अभी इस बार क्योंकि कट ऑफ और बढ़ेगी तो वो जो बच्चे ने ड्रॉप किया था वो और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आप बच्चों से एक सजेशन है, एक दो बच्चों ड्रॉप मत करना अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको जाना है तो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं डेफिनेटली से, अगर आप मान लीजिए आप जेई की तैयारी नीट की तैयारी करते हैं और बाद में आपका नहीं होता है वहाँ पे, फिर आपको लगता है कि अब मैं डीयू में ले लूँ तो क्यों ना अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो क्यों ना आप जो है अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए लेकिन यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को रिटेन रखिए, क्योंकि अगले साल की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर ये है कि अभी सच्चाई क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हमारा होने का चांस है या नहीं है। मैंने आपको फिर कहा कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है आपके मार्किंग स्कीम पे, आपकी मार्किंग कैसी है, और बच्चों के मार्क्स इस बार सच में बहुत अच्छे आए हैं। ये बात आप में से कई सारे बच्चे जो है मानेंगे, लेकिन इसमें फेवरेटिज्म हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डिजर्व नहीं करते थे उनको भी मिल गए हैं। तो मतलब अब गड़बड़ तो हुई है कहीं ना कहीं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो शायद से यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे भी इस सिस्टम के थ्रू। अब इसमें कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है बच्चों वो सच्चाई तो यही है ना, हम लोग उसको इग्नोर कैसे करें, उसको हटाएं कैसे, या तो हम सिस्टम से लड़ने बैठे या हम कोर्ट केस करें या हम ये सब करें, इन सब के पेचीदगियों में अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग स्मार्टली काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो है अपना जो है सिस्टम है, अपने कुछ रूल्स हैं वो अपने फॉलो करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें, सही तरीके से भरें, राइट कॉलेज चूज करें, सिर्फ नॉर्थ कैंपस के बारे में या सिर्फ साउथ कैंपस के बारे में ना सोचें, और भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है कैंपस से अगर आउट ऑफ कैंपस कॉलेज में अगर आपने पढ़ रहे हैं तो, मतलब ये मेरा सजेशन है, ठीक है। नो डाउट जो आपको फायदा नॉर्थ कैंपस में मिलता है वो साउथ में नहीं मिलता है, जो साउथ में मिलता है वो नॉर्थ में नहीं मिलता है, ऑफ कैंपस के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो वो सब बातें बच्चों अपनी जगह पे हैं। अभी मैं आप लोगों को दो तीन बातें अच्छी अच्छी बताने की कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप बच्चे जो हैं, एक तो जब आप कोर्सेज जब आप ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अच्छे नंबर अगर आपके आए हैं, तो एक बच्चा कहता है सर फिजिक्स ऑनर्स करूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स करूँ, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स कर, बायोमेडिकल करूँ या जूलॉजी बॉटनी करूँ, मैं बोलूँगा बायोमेडिकल कर, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री करूँ या केमिस्ट्री करूँ, मैं बोलूँगा बायोकेमिस्ट्री करो। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश ऑनर्स करें या हिंदी ऑनर्स करें, तो बोलूँगा जर्नलिज्म करो। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं बच्चों, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही कराती है और उसी कैटेगरी में कराती है, और ऐसे बड़े सारे कॉलेजेस हैं जिसमें कैंपस कॉलेजेस अगर नहीं मिलता तो भी ऑफ कैंपस में भी अगर आपको एडमिशन ऐसे कोर्सेज में मिलता है तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा आगे प्रोफेशनल है, आगे प्लेसमेंट्स के पर्पस से ज़्यादा अच्छे हैं, लेक्चरशिप के लिए भी पर्पसफुल है, क्योंकि टीचर तो इनमें भी होते हैं, ये भी तो सब्जेक्ट्स हैं, ये भी तो पढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, तो सारी चीज़ें सब कुछ इन सब्जेक्ट्स के थ्रू भी मिलेगा, और इनमें कॉम्पिटिशन भी कम है और इनमें बच्चे भी कम होते हैं, आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। ये मेरी तरफ से आज का कुछ ज्ञान था बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फॉर्म को भरते टाइम काफ़ी ध्यान रखिएगा। अभी मैं दो तीन दिनों में कुछ वीडियोज डालूंगा, यूनिवर्सिटी का फॉर्म जल्द जल्द जल्दबाजी में मत भरना, ठीक है। आपको 10-20 दिन मिलेंगे आराम से फॉर्म को भरने के लिए, कुछ गाइडेंस मैं आपको दूंगा बीच बीच में, ठीक है। उन सब बातों को समझते हुए उसके बाद आप करना फॉर्म भरते टाइम। किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने की कोशिश करना। टेलीग्राम पे बच्चों मैंने एक ग्रुप बना दिया है, बच्चों ने बोला सर बना दो, मैंने बना दिया, ठीक है। आप उसको भी जो है फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मतलब फॉलो ही होता होगा शायद से, उसको भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, और बस इसी के साथ में आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेकिन काम की बात बच्चों यही है कि आप अच्छे अच्छे कोर्सेज को जो है ऑप्ट करिए, लिस्ट बनाइए
थोड़ा सा होमवर्क करिए, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है और हमें इसमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सब चीज़ों को प्लान करिए, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के बारे में सोचना। थैंक यू वेरी मच, बाय।